तेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो यार आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो अभी है ना हमें ना ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और अभी है ना हम क्या करने वाले हैं, हमारे कबूतरों को दाना डालेंगे और आज है ना शायद शाम तक है ना ईद का व्लॉग हमारे चैनल तक डल जाए। अगर हो बन जाएगा अच्छे से तो डाल दूंगा शाम तक, नहीं तो यार फिर रहने देंगे। तो अगर डल बन जाएगा तो फिर मैं आपको ईद का व्लॉग बना के डाल दूंगा। तो अभी है ना हमें सारे पिजन्स को खोलना है हमारे और यहाँ पर दाना डालना है। अच्छा हाँ कम ही डालेंगे अपन दाना क्योंकि यार फिर ये अंदर नहीं जाते, तो इनके लिए तो हम कुछ स्पेशल दे नहीं सकते। तो हमने दाना डाल दिया है हम मुर्गियों के लिए और हमारी डक्स के लिए है ना, जो हम माशा के कंप्लीट कर रहे हैं। वो कंप्लीट तो नहीं हुआ यार, तो जितना हो सकेगा अगर हो जाएगा ना कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं आज अगर थोड़ी बहुत जाली लग जाएगी उसके अंदर तो है ना जुगाड़ तोड़ करके सबको अंदर छोड़ के सबको है ना एक डाइट दूंगा मैं। बस इतनी दाना रहने दो अभी, अंदर डाल देना से अच्छा तो अंदर ही डाल देते हैं। लो 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 खा लो, अंदर ही डाल देते हैं अपन दाना सबको। ये पानी दूसरा भर के ले आना, पानी बेकार हो गया है तो पानी फेंक के दूसरा भर के ले आएंगे। देखिए यहाँ पे हमने सारे कबूतर खोल दिया है, पूरे पूरे यहाँ बाहर है और ये बीमार था शायद। दानिश मल्टीविटामिन मिला के ले आना, कितना थोड़ा ज़्यादा मत मिलाना, ढक्कन से मत मिलाना, ढक्कन ख़राब हो जाएगा, ऐसे मिला लेना अंदाज से। तो यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीविटामिन मिलाने के लिए बोल दिया जिससे यार हमारे कबूतरों में कोई बीमारी ना आए। अगर आए भी तो है ना मल्टीविटामिन से है ना उनमें कमज़ोरी हो तो वो ख़त्म हो जाएगी, फिर ये बीमार नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे सारे खुले हैं। हाँ किधर, तो यार यहाँ पे देखिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ मुर्गी क्या कर रही है अपने बच्चों के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सीन लग रहा है तो आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए यार मुर्गी है ना कितने अच्छे से यहाँ पे बैठी है और अपने बच्चों को धूप सिखवा रही है और पूरे पूरे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं देखिए डक्स के बच्चे। और यहाँ पे है ना मुर्गी अंदर जा रही है, तो दस मिला के ले आना। तो यहाँ पे सारे कबूतरों को है ना दाना मार डाल दिया है हमने और अंदर जा चुके हैं। तो अब मैं दानिश क्या कर रहा है, दानिश पानी भर के लेके आना। दानिश कहाँ गया, नीचे गया होगा। तो यहाँ पे है ना वो पानी भर के भी रख देगा, तो हमें ना पानी भर के इनको अंदर कर देंगे यार, ज़्यादा देर बाहर नहीं घुमाएंगे इन्हें। और ये देखिए आज कितनी जल्दी अंदर हो चुके हैं पूरे पूरे, कल तो है ना उड़ रहे थे क्योंकि इनका पेट भर चुका था। दाना है ना बाहर डाल देते हैं ज़्यादा, फिर दाना खाते ही नहीं है, उतना ही खाते हैं बस और फिर ही अंदर चले जाते हैं। तो अभी है ना इनको अच्छे से दाना नहीं दिया है हमने, अंदर दाना डाल देंगे जिससे यार ये अंदर ही रहें और बाहर ना आए क्योंकि धूप तो काफ़ी तेज़ हो चुकी है अभी। तो चलो चलो अंदर चलो, तुम भी जल्दी आओ, जल्दी 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 चलो अंदर चलो अंदर। तो यहाँ पर अंदर अंदर कर देंगे और यहाँ से आप क्या करते हैं यार हम थोड़ा मास्टर के देख लेते हैं और थोड़ी देर बाद है ना हम हमारे मुर्गा मुर्गियों को स्पेशल डाइट भी देंगे। तो फाइनली दोस्तों मैंने है ना पूरा मास्टर के है ना कंप्लीट कर लिया है और उसके अंदर है ना हमारे परिंदे भी छोड़ दिए हैं, जितने भी सारे परिंदे थे ना उस सब छोड़ दिए हैं। और हमारे जो डकलिंग्स थे ना जो हमने इनक्यूबेटर्स निकलवाए थे, जो दो बच्चे थे ना हमारे तीन निकले थे वैसे तो, और जो दो बच्चे थे ना वो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। और सारे सारे है ना अभी मेरे सामने मास्टर के जो बंदे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ से हम है ना ईद की डाइट जो कि ये देखिए खीर खुर में लेके आए इनके लिए मीठा, तो इनके लिए मीठा मुकन्ने यार क्योंकि यार इनकी भी ईद बन जाए और हमारी तो है ही, तो इनको भी मज़ा आ जाए यार, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। तो इनको भी डालेंगे हम, तो जल्दी से करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या है, जल्दी से देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए हमारा मास्टर कैसे है ना फुल कंप्लीट हो चुका है और हमने है ना इसके अंदर हमारे सारे परिंदे छोड़ दिए हैं, मुर्गी बतख बतख के बच्चे बड़े बच्चे, और बस एक चीज़ रह गई है हमारे पास जो कि है ये चूजा छोड़ने के लिए जो है ना एक निकला था और ये अब हमारे साथ ही रहता है। ये क्या कूद ही गया, लग जाएगी इसके पैरों में लेकिन इतनी बस कूदने मत देना इसे। और यहाँ से लेके आए यार हम इनके लिए डाइट, तो हमें डाइट भी रखना है इनकी। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से हम गेट खोलते हैं, तेज खोलना गेट, और चूजे को भी हमारे अंदर ही ले चलते हैं और पानी मानी भी रखेंगे हम यहाँ पर। देखिए अया आ ये देखिए हमने तो रख दी थाली। और यहाँ पर देखिए मुर्गी अपने चूजों के साथ घूम रही है और बतख है ना देख रही है, ये बच्चे मेरे जैसे दिख रहे हैं लेकिन है ना मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये मुर्गी परेशान हो रही है क्योंकि ये वाली मुर्गी है ना उसे मार रही है क्योंकि ये बच्चों का अगर कोई भी छेड़ करेगा ना उसे मारेगी। यहाँ पे देखिए यार मुर्गी खाने चली गई हमारी डाइट, माशाल्लाह माशाल्लाह खा रही है। और ये बच्चे हैं डर रहे हैं, राश एक काम कर इसमें थोड़ी डाइट है ना निकाल। अरे रे 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 बच्चों को पसंद नहीं आई क्या, क्या आई आ गई। तो इनको खाने के बाद है नहलाना पड़ेगा क्योंकि ये मीठा है तो चींटियाँ हो सकती हैं इन पर ना, और चींटियाँ ये खा नहीं पाएंगे इतने अच्छे से ना, क्योंकि चींटियाँ अगर इन्हें चला गई तो मर भी सकती है ना, जैसे हम पिछली दफ़ा वो मर गए थे खरगोश और तोते।
तो वो भी मर गए थे। और यहाँ पे हमारा चूजा सबसे अलग घूमता है यार, हमारे साथ ही है ना इसकी बॉन्डिंग हो गई। देखिए किसी भी है ना परिंदे के पास नहीं जाता, जाता है ना मुर्गी के पास जाता है, ना बतख के पास जाता है, ना चूजों के पास जाता है। वो एक चीज़ और दिखाना थी मुझे आपको, ये अभी पकड़ना ऐसे आराम से उनके पास छोड़ना। ये देखिए ये देखिए ये देखिए यार, ये देखिए आप यहाँ से इस चूजे को देखिए क्या कर रहा है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये चूज़ा है ना हमारा छोटा सा, इन इतने बड़े बड़े बतख के बच्चों को है डराता है। और आप इन बच्चों की ग्रोथ चेक कीजिए यार, माशाल्लाह जो हमने मशीन से निकल, अरे यार क्या कर रहा है, इन्हें हमने है ना मशीन से निकलवाया था। ये देखिए यहाँ पे, और अब ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये पता नहीं इनके आँखों के पास क्या बाल से क्यों निकलना है एक बच्चे के, तो मुझे लगता है ये इन्फेक्शन है क्या है मुझे तो नहीं पता। और यहाँ पर ये देखिए यार चूज़ा है ना, पता नहीं क्या करता है, ये देखिए डराता है इन्हें। और यहाँ से अगर ये मुर्गी के पास गया तो इसे मुर्गी मार देगी, इसलिए हम इसे यहाँ से उठा लेते हैं पकड़ रखने से। तो इसको है ना हम नीचे ही खिला देंगे खाना माना, तो हम नीचे ही खिलाते हैं ज़्यादातर। जो हमने इसका है ना घर बनाया था ना बतख के बच्चों के लिए, उसमें रखते हैं इसे। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये काफ़ी अच्छा बन रहा है ये तो यार। और आप सोच रहे होंगे यार हमने आधा अधूरा मास्टर पे किच कंप्लीट क्यों करा है, यहाँ पे आधी जाली लगी है, यहाँ पे आधी जाली लगी है, और यहाँ पे गेट देखिए किस तरह से लगा है, पाइप माइप से हर किस लगा दिया यार आपने गेट। और यहाँ पे ऐसे तो आपके कोई भी परिंदे निकल जाएंगे। तो यार अभी हमने फुल कंप्लीट नहीं किया है यार, हमने सिर्फ हमारा अभी है ना ये परिंदे रखने के लिए किया है, क्योंकि अभी मुझे है ना कहीं बाहर जाना है, तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा अगर जाऊँगा तो। अभी तो जब तक है ना हमने क्या करा, ईद के दिन ने यहाँ पर खाना दे दिया अच्छे से, और यहाँ पे मुर्गी अम्मान ने आए शायद। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे परिंदे यार कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और हमारी डक भी आ गई है, और ये मुर्गी खा लेने दे यार उसे, हमारी डक को यार खाने नहीं खाने दे रही, चलो खाने दिया आप। ये देखिए अरे खाएं दो यहाँ पे यार, सब मिल बांट के खाएं तो अच्छा है, क्योंकि हमें इसके अंदर ही छोड़ के जाना है सबको हमारे परिंदों को, क्योंकि मुझे एक जगह जाना है। मैं आपको सब कुछ अपडेट दे दूँगा, क्यों जाना है कहाँ पर जाना है सब कुछ मैं आपको अपडेट दे दूंगा जब मैं जाऊंगा, तो अभी तो नहीं जा रहा हूं। तो अभी तो यहां पे छोड़ा है हमने हमारे सारे परिंदों को, और इसको हम नीचे लेके जाएंगे, तो इन्हें यहां पे है ना एंजॉय करने देते हैं अपने हिसाब से। और यहां पे हम एक टब भर के रख देंगे पानी का, जिससे यार हमारे डक नहा सके, उसके बड़े बड़े बच्चे नहा सकें, ये सब है ना उसमें नहा सके, क्योंकि पानी बहुत कम रखा हुआ है हमने। तो यहां से है ना अब हम गेट लगा देते हैं, कुछ लेके तो नहीं जा रहा ना अपन नीचे, यही रखा है रोटी, रोटी हाँ ठीक है यहाँ से इसको निकाल लो बस रोटी गलाने के लिए। और बाकी सारी चीज़ों को है ना बंद कर देते हैं हम वापस से। ये देखिए माशाल्लाह ये हो गया बंद, यहाँ से हमने लॉक कर दिया। और ये देखिए यार पूरी चीज़ें हमारे यहाँ पे बंद हो गई हैं, यहाँ पे घूम रही हैं, कुछ यहाँ पे हैं कुछ वहाँ पे हैं, तो सब इस तरह से ही घूम रही हैं। तो इनको घूमने देते हैं यहाँ पर, और हम भी चलते हैं यार अब नीचे, थोड़ा सा रिलैक्स होने देते हैं और रोटी मोटी गलाते हैं यहाँ से। हाँ ये दोनों ये दोस्त बन गए हैं, दोनों आपस में घूमती हैं, क्योंकि यार डक भी मर चुका है और असील मुर्गा भी मर चुका है। हमारा बड़ा वाला डक था वो भी मर गया है, और असील मुर्गा भी मर गया है, तो दोनों अब है ना दोस्त बन गई हैं और साथ में रहती हैं। तो यहाँ पे बतख है ना पानी पीने, ओरे भाई मुर्गी बहुत तेज़ हो गई सच बता रहा हूँ। तो यार मुर्गी को घूमने देते हैं अब यहाँ से, इन सबको घूमने देते हैं यहाँ पे, बस इनको यहीं पे बंद करके चलते हैं यहाँ पर। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई ना वीडियो को लाइक जरूर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। मिलते हैं किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।